तुम देखो आज घूरो में पन्नी बीन गया देखो भैया को भाई नई सड़क पर गई है, आज काम हो गया स्टार्ट। कैसे हो सब लोग, उम्मीद करते सब लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक है भाई। तो आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भाई ये झोपड़ पट्टी से, जो है भाई किसकी, विनोद की है ना। हाँ विनोद की। अब मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग ये कितनी हरी भरी सरसों हो रखी है, और ये है भाई जानते हो वैसे तो अपना जिगरी यार, मतलब इसकी एक वीडियो है खाना खाते हुए वाली, डाल दो इंस्टा पे, नेम सिंह ने बनाई कभी भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फूलो डालूंगा। सो दोस्तों आज मेरा ब्लॉग ना काफी दिन के बाद आ रहा है भाई, तो आप लोग सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे ना ज्यादा इस वजह से भाई, और ठंड भी ज्यादा हो रही थी, तो फिर एक तो जब सपोर्ट करते हो ना लाइक करते ज्यादा से ज्यादा तो मन करता है वीडियो बनाने का, क्योंकि तो फिर करता है कि चलो भाई वीडियो बनाओ और दिखाओ ब्लॉग। तो सुनील की तरफ आया था मैं इधर ना दुख के भाई, और ये डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी सी कराई है तो मैं इधर आया घूमने, मैं सोचा कि चलो ब्लॉग हो जाए आज ना। ये रोड पड़ रहा है इधर जहाँ पे मेरे डांस वीडियो आते थे ना वो वाले, तो ये देख सकते हो भाई ये सुनील का जैसी। तो चलिए अब हम चलते हैं इधर, इधर दिखाएंगे आपको, बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई, देखो भाई मेरे इधर ये बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई इधर। देखो भाई नई सड़क पर गई है, आज काम हो गया स्टार्ट, ये प्रधान जी हैं इन्होंने डलवाई है, और अब हम वीडियो अपनी यहीं बनाया करेंगे, जो मेरी वीडियो आती थी अब कीचड़ में नहीं आएंगी भाई, एकदम से लेंटर की तरह पड़ गया, एकदम साफ रोड यहीं अपनी वीडियो शूट करा करेंगे हम। विनोद मौज आ गई, अब क्या डीटी रोड निकल गया, सुबह को तराई करनी पड़ेगी विनोद को, विनोद की जिम्मेदारी देती है। बहुत बढ़िया हो गया चौड़ा, और आगे घूर देखे होंगे तुमने भाई, घूर वाला एरिया जो था ना वो भी वहाँ पे भी पूरा पड़ेगा, चौराहे तक पड़ेगी और ऐसी पड़ती जाएगी सीधी बहुत दूर तक। ये देखो सामने पन्नी वगैरह ना बिछ गई है, और बहुत बढ़िया रोड हो रही है एकदम से चक्का अच्छा। ठीक है तो भाई बने रहो वीडियो में, और भी जो भी कुछ होगा हम दिखाएंगे। ठीक है विनोद गया ऊपर भाई बकरी खोलने, अभी हम दिखाएंगे विनोद के घर आए आज, अब विनोद की वाइफ नहीं है इस वजह से भाई एंट्री होगी आज मेरी अंदर, क्योंकि मैं आता नहीं हूँ बहुत कम आता हूँ अब घर, देख सकते हो ये नक्शा चेंज हो गया विनोद के घर का, बकरी जो है भाई आने लगी है, देखिए ये एकदम से आते ही दो तीन बच्चे हैं बकरी के, वो मैं दिखाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत क्यूटी क्यूटी बच्चे लग रहे हैं। एक ये देख भैंस भी आ गई, विनोद की जो झुटिया थी ना वो भी आ गई है, आ गया देखो विनोद लेके आ रहा है तीन तीन बच्चों से है, देखो भैया देखो तीन तीन बच्चों से ब्याह ही भैया बकरिया छोड़ दे नीचे, ये देखो भजन लिख रहे हैं, एक ही बकरी की है तीन बच्चा है, एक कमजोर है एक ज्यादा कमजोर है, बैक कैमरा करके दिखाऊं ठीक है ना, निकाल ले देखो जैसे सब आ गए नीचे, खांस रही है तो ये है तीन भैया बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये ही कमजोर है, यू कुछ कूद जो रहो जू बारो कमजोर आ रहे भैया मेरे धोरे आ रहा है ये देखो सबसे बड़ा अलग ही दिख रहा है, और छोटे छोटे अलग दिख रहे हैं, देखो ये धोरे को आ रहा मेरे देखो पैरों में को भाग रहे हो, ये देखो भूखा आए बेचारा, ये देखो ये खेल रहे हैं देखो खूब भाज भाज के, ये देखो आगे 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 ये ये देखो घूरो वाला इलाका, यहाँ रोड सबसे ज्यादा गंदा रहता था, अब यहाँ पड़ जाएगा या रोड बढ़िया हो जाएगा। यहाँ चुके हैं विनोद की बकरी इस खंडर पे, विनोद देखो आज घूरो में पन्नी बीनिया विनोद मिला कुछ ना ये बकरी को हाँकने गया अंदर करने, क्योंकि बाहर चले जाना कुत्ता बहुत ज्यादा है भैया, आवारा कुत्ते जो होते हैं ना वो डर रहता है, इस वजह से देखना पड़ता है थोड़ा। यहाँ आगे विनोद के खेत में देखो भाई कितनी अत्तर पत्तर पर ये भाई, दो दिन का नतीजा है, दो दिन आंधी चली है पछा दिया भाई, पछा दिया मैंने सब ये पत्तल ना इधर की उड़ के डहरिया में की सब इधर आके लग गई ठिकाने, और यहाँ बढ़ गया था पानी भाई तो सारी फसल मारी गई, साग जो था ना ये मेथी पालक का साग था वो डहरिया आ गई, इधर देखो पुस्ता बना हुआ है फिर भी आ जाती है पानी भर जाता है तो सब खराब हो गया, फिर भी इन्होंने तीन से चार दिन पानी मतलब उलचा था पानी दूसरे खेत में को किया था नाले में, तब तो ये भाई बरसिंग बची हुई है ना तो ये भी खत्म हो जाती, मैं भी देखो पत्तल तो बहुत ज्यादा आई हुई है आंधी में उड़ उड़ के आ गई है,
अब बारिश नहीं है, अब आज तो भाई धूप सही निकली है और पछाड़िया भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है घूमते हुए यहाँ। और देखो वो कहाँ बैठा है सुनील, ऊपर। अब मैं इधर जाऊँगा देखने खेत की तरफ, देखते क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो खिलाड़ी है इधर, ये सीख रही दिखे हैं, हैं? ये कंडा लगाना सीख रही हैं। ये लग रही है कंडा इधर, ताई लगा रही हैं उपले इधर। देखो कितना साफ साफ लग रहा है, एकदम से सूखते चले जाएंगे। अब धूप अच्छी निकली है आज। कानू खेल ले इसके, कानू खेल जल्दी से, कानू खेल ले, कान कहाँ है बताइए, बोल जल्दी, नाक खींच ले इसकी, ऐसे पकड़ खींच। सीन है जब रोड डाल ली है, सीधे मुरादाबाद से आ रही भैया, ये देखो चलती हुई आई है ये, और ये उससे बन गया रोड भैया, ये डीटी रोड देखो। अब माल निकलेगा इससे, मुरादाबाद से आई है भैया डालने के लिए, देखो अब चलेगी वहां से, ऐसी घूमती हुई आती है ये और काफी दूर तक डल जाएगी इससे। देखने वालों की भीड़ देखो भैया कितनी लग रही है, कितना हुआ जा। पनारा लग गया भैया इसमें, ये देखो माल दोस्तों मिलाया जा रहा है, फिर निकलेगा इसमें, फिर दिखाएंगे तुम। देखने वालों की भीड़ देखो कितनी लग रही है, वो देखो कहां से बना रहा है वीडियो ये सुनील, ओए ये अपना ब्लॉग शूट कर रहा है गाइस, ये मेरा इधर हो रहा। चालू होने वाला, देखता भैया वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। भाभी चली गोबर डालना, देखो ये कितनी देर लगेगी भैया निकलने में, बड़ी देर लगा रहा जी। दोस्तों चालू हो गया, देखो ये देखने वालों की भीड़ देखो दोस्तों कितनी लग रही है, माल गिर गया धड़ाधड़। ये देखो भाभी आ रही है, हट जाइए भैया सब जने। देखो भैया बड़ी भीड़ लग रही है, सुनील तुम्हारे आगे लेंटर पड़ रहा है, कुछ बटवाओ जल्दी से लड्डू पड्डू ला के। पेड़ वो तू ही खा लिए उन्हें, अपने पापा को दे दिए वो। मतलब घंटों का काम 2 मिनट में हो रहा है, देखो मिल गया मौका, मौके को देख के चौका मार दो तुम भी, अब तुम भी चौका मार दो मौके को देख के। हम क्या का चौका मार दे भाई, और घंटों का काम मिनटों में निपट रहा, तुम्हारे आगे लेंटर पड़ रहा, कुछ बटवाओ और का लगवा दरूद जल्दी से जाके। लाओ यहाँ को तुमने लगता है बटवाओ।
मैं प्रचार करता रहा हूँ, देखो ब्लॉग बना रहा हूँ, सबके सामने आएगा देखेगा। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे, शाम का वक्त है, इधर देखो ऐसा माहौल है। अभी हमारे यहाँ पे धार काटी जाएगी क्योंकि अभी जैसन पस भरा है, क्योंकि टाइम लेती है, इसका लवारा खत्म हो गया ना इस वजह से। और इधर बरने हैं दोस्तों मेरे यहाँ पे आज पराठे गोभी आलू से। सो आप लोग भी आ जाओ और खा लो भाई, और शाम का टाइम है, अब बस सबको खिलाएंगे और खाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और ऐसे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोज लाने का मन भी करता है फिर मेरा। सो चलिए, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय।